एक दिन हिंदुस्तान हमारी इस कुर्बानी को याद रखेगा, शायद समझ नहीं पाएगा पर याद जरूर करेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू रिव्यू वर्ल्ड। आज हम रिव्यू करेंगे Amazon प्राइम पर रिलीज हुई लेटेस्ट वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी का। सबसे पहले सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन, इस वेब सीरीज को कबीर खान ने डायरेक्ट करा है और इसमें टोटल 5 एपिसोड्स हैं, अराउंड 30-45 मिनट्स ईच। द फॉरगॉटन आर्मी की कहानी उन जाबाज इंडियन सोल्जर्स की है जो 1942 से लगाकर 1945 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे। देखो, अगर आप हमेशा से इस पर्टिकुलर टॉपिक की हिस्ट्री को जानने के लिए क्यूरियस रहे हैं पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में आज तक ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है तो ये शो आपके लिए एक मस्ट वॉच है, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज हिस्ट्री को काफ़ी आसानी से समझाया है। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में शाहरुख खान की नरेट करी हुई शॉर्ट समरी आपके अंदर एक इंटरेस्ट बनाकर रखेगी। अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो इसमें लीड रोल में है सनी कौशल और शर्वरी, इन दोनों ने ही अपने रोल को ठीक ठाक तरीके से करा है। शो की सबसे अच्छी चीज़ थी इसमें बीच बीच में दिखाए गए उस टाइम के शूट हुए हुए रियल सीन्स और फुटेज, जिसकी वजह से स्टोरी का एक फ्लो मेंटेन रहता है। अब अगर बात करी जाए नेगेटिव्स की तो सीरीज की स्टोरी तो काफ़ी एंगेजिंग है पर स्टोरी बीच बीच में प्रेजेंट और पास्ट में बार बार स्विच होती है जो लिटरली एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। सीरीज में दिखाए गए VFX भी कुछ एक वॉर सीन्स को छोड़कर एक वाव वाली फीलिंग नहीं देते हैं। इसके अलावा शो में एक लव स्टोरी को जबरदस्ती मिक्स करा है जो बिलीव में आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी और आप मन ही मन सोचेंगे कि आखिर ये सीरीज एक वॉर स्टोरी थी या फिर एक लव स्टोरी। सो गाइस, अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर।